अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो मशहूर पाकिस्तानी ड्रामा कभी मैं कभी तुम के लेटेस्ट एपिसोड में धूम मचा दी। इस ड्रामे की बात करें तो मशहूर पाकिस्तानी ड्रामा 2024 का बेहतरीन ड्रामा चल रहा है। वीडियो आगे बढ़ाने पहले से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन का बटन दबा देंगे तो सारे वीडियो आपको मेरी तमाम नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। शर्जीना और मुस्तफ़ा की जोड़ी जहाँ पर लोगों को खूब पसंद आई और जहाँ पर बहुत ज़्यादा शुरू में ड्रामे में लविंग कपल बताया गया था, वहीं पर शर्जीना की लेटेस्ट एपिसोड में दिखाया गया कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और मुस्तफ़ा विश कर रहा है कि शर्जीना किसी तरह बच जाए और वो जितने पैसे वो कमा रहा है और वो जो खुशियाँ उसको देना चाहता था वो दे सके। कभी मैं कभी तुम मशहूर पाकिस्तानी ड्रामा जहाँ पर मिलियंस में इस ड्रामे की व्यूज़ आ रहे हैं इंडिया बांग्लादेश वगैरह में और पाकिस्तान में ड्रामा ट्रेंडिंग पे चल रहा है, वहीं पर लेटेस्ट एपिसोड में जैसे ही देखा गया कि रुबाब का कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बताया गया और अदील की पूरी महफिल में पार्टी में उसकी बेइज्जती करते हुए केक उसके मुँह पर मलते हुए उसने कहा कि अदील चीटर और उसके सिर्फ पैसे खाने के लिए उससे शादी की थी। फैंस ये देख कर भी बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं कि अदील के साथ रुबाब ने जिस तरह किया है, रुबाब जैसी ही पर्सनैलिटी होनी चाहिए लड़कियों की। आपको रुबाब और अदील की एंडिंग कैसी लगी है इस ड्रामे में मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ ये भी दिखाया जा रहा है कि रुबाब ने जिस तरह अदील को बेइज्जत किया है, अदील के माँ बाप भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है उसकी हरकत की वजह से। वहीं पर लोगों ने सोशल मीडिया पे मीम्स बनानी भी शुरू कर दी हैं, जिस तरह इन्होंने मुस्तफ़ा और शर्जीना के साथ किया है इस तरह इसके माँ बाप को भी पता चला कि किसी को घर से निकालने का क्या होता है। इस ड्रामे को लोग इस कदर सीरियसली ले रहे हैं कि लोग ये चाह रहे हैं कि शर्जीना को कुछ ना हो और इस ड्रामे की एंडिंग बहुत हैप्पी होनी चाहिए। 5 नवम्बर को इनकी आखिरी एपिसोड नशर होगी और लोग होपफुली इस आज के एपिसोड का भी वेट कर रहे हैं कि आज के एपिसोड में भी कुछ ऐसा ना हो जिसमें शर्जीना को कुछ हो जाए। आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड में शर्जीना बचेगी या नहीं, कमेंट में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।